जनरल सकत्तर पंजाब एक्ट वह भी अपने विचार रखेंगे। सो उन्हां तो बाद मेरे वड्डे वीर जिहड़े नौजवान आगू ने सरदार अमरजीत सिंह रड़ा उन्होंने भी अपनी हाजिरी भरनी है। सो वीरो इस दे नाल नाल ही दास दी जो स्टेट सैकटरी की जी सेवा दी शान के खिलाफ बोलिया गया हो वैसे तो मैं बोलता नहीं पर फिर भी आप रब वर्गिया रूहां दे दर्शन दीदार करते फिरते आप बजुर्ग बजुर्ग मातावान बजुर्ग साथी सारे साडे बजुर्ग जिहड़े जरनैल ने इस संयुक्त किसान मोर्चे का इस अंदोलन को इन्नी दूर तक लैके बैठे क्योंकि नहीं तो आप उत्थे सिंगू बार्डर से संभू बार्डर से ही बह गए सी। इतों तक बजुर्गों का बहुत बड़ा उपराला यह संयुक्त किसान मोर्चे के जरनैलों का साथ दो एका बना के रखो जे जंग जितनी जी एक तो बिना जे आप रुस के घर बह गए तो आप बाद पछता जो इन्हों बानिया डानिया ने क्योंकि मोदी जोड़ा है ना इन्हों का गुलाम आ इन्हों जी जंजीर से नचता वा इन्हों इशारिया अंबानिया डानिया ने साडे ते राज करना आ फिर आप रोना जे तो जेड़े इंसान की एक किला भी पैली है ना वो कभी अज तक तुम देखा होगा इतिहास के जे किसी की एक किला भी पैली आतियां भैं दिहाड़ी नहीं किसी लादियाँ तो मजदूर वर्ग बेचारे दिन रात अपने बच्चों का पेट पालन लिए अपने ढिड के वास्ते इन्हों किसान जटा के लिए इन्होंने घर जाके जो लेबर सैल का काम करते हैं जो मजदूरी करते हैं फसल गाउण के झोना बीजन के गेहूँ बीजन के भी इन्ह करके लड़ रहे हैं क्योंकि किसान कितने ना कि अपनी रोजी रोटी अपने चेहरा जीर जीवन खवा ही लेगा ढिड भारी लेगा पर मजदूर जिन्हें को एक बिघा भी पैली नहीं है उन्हों का हाल तो आप सब जाणू ही हो। सो आओ कट्ठे होवो किसान मजदूर एकता सारे कट्ठे हो गए इस मोर्चे का साथ देवो जो दिल्ली का तख्त हिल सके आप अपने जोड़े काले कानून लाए रद्द करा के हक लै करके वापस जाइए। सो किसी निशान के खिलाफ बोलिया गया हुआ आप रब वर्गिया रूहां आशीर्वाद धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज आप संगत का तय दिलो धन्यवाद आ इतें फतेह की सांझ बुनना हाँ बेनती करते हैं सरदार अमरजीत सिंह जी वह अपने विचार रखे। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। स्टेज पर बैठे आगू साहबान ते पंडाल विच बैठे भैनों भराओ मेरा नाम अमरजीत सिंह आसल है मैं अमृतसर तो आया अमृतसर के मजदूरों की जथेबंदी दे विच मैं काम कर रहा उत्थे मैं किसान नहीं हाँ लेकिन मजदूरों की जथेबंदी दे वल्लों तुहाडी हमायत दे विच असी पांच छे वार आ चुके हैं मजदूरों नू नाल लैके क्योंकि जिहड़ा तुहाडा अंदोलन आ ये अंदोलन शुरू किसानां दीआं मंगां ते होया लेकिन अज ये अंदोलन पूरे देश का भविख आ इस अंदोलन ने तय करना कि देश किदां चलना हुण तक जिहड़ा देश चलिया वो एक पासड़ चलिया कि जो सरकारां ने फैसले किए जो साडे देश दे सरमाएदारां ने फैसले किए उन्हां फैसलियां ते ये मुल्क चलिया लेकिन इस अंदोलन दे फैसले ने इस देश नूं चलण दे लई एक नवीं दिशा तय करनी आ कि इत्थे सरमाएदारां तों बगैर होर लोग भी रहिंदे आ वो किरती वर्गा वो किसान आ वो मजदूर आ इस मुल्क नूं चलाउण दे विच ज़्यादा रोल इन्हां मजदूरां ते किसानां दा आ लेकिन जे वो दिन रात मेहनत करके इस मुल्क लई पैदावार करदे आ तां इस मुल्क दे फैसले करन दा हक भी इन्हां लोकां नूं आ। वीरो भैणो असी मजदूरां दे विच कारखानियां दीआं हड़तालां करके वेख्या असी हड़तालां जित्तियां भी आ हारियां भी आ असी एक एक फैक्टरी दे अंदोलन भी कीते आ
अमृतसर शहर के सारे शहर के अंदोलन भी किए आ। कोई हड़ताल साड़ी 10 दिन चली आ, कोई 1 महीना चली आ, कोई 3 महीने चली आ, ते कोई हड़ताल साड़िया 1.5-1.5 साल भी चलिया। लेकिन जेड़ा अंदोलन जेड़ी लड़ाई जन अंदोलन बनती आ, उस लड़ाई नू कोई हरा नहीं सकता। जिन्ना चर मसले एक व्यक्ति दे हुंदे, एक वर्ग दे हुंदे, उन्ना दे डोलन दियां संभावनावां हुंदियां। लेकिन अज एक किसानां दा अंदोलन एक जन अंदोलन बन गया। असी अमृतसर दे शहर दे विच जदों बसां लियांदियां, कल भी बसां लै के आए हां, इत्थे एक दिन मजदूरां दी जथेबंदी वल्लों असी समुची स्टेज सानू दित्ती गई सी 1/2 घंटे वास्ते, उदन भी बसा लैके आए सी। असी नवा साल भी इत्थे मनाया और बसा लियाउण दे लई जदों असी बाजारां दे विच जाके लोकां दे कोलों फंड लिया, सारे बाजार दे विच्चों 100 दे विच्चों 5 दुकानदार सी जिन्हां ने सानू ना करती, जिहड़े बीजेपी नाल संबंध रखदे सी। लेकिन 95 दुकानदारां ने बड़े उत्साह दे नाल और सानू फंड भी दिता और पंडा दियां पंडा गाला मोदी नू कढ़ियां, पंडा दियां पंडा गाला मोदी नू कढ़ियां। वो कहंदे असी परिवारां दे विच रहने आ, अपने बड्डां दे सौने आ, बड़ा सोहना ढंग दे नाल रहने आ, लेकिन जिहड़े किसान ट्रालियां दे विच जाके सारे सियाल दे विच उत्थे बैठे आ, कहंदे कमरे दे विचों हवा ना आवे, पूरे शीशे बंद करदे आ, बूहे बंद करदे आ, लेकिन आ किसान जिस तरह उत्थे रह रहे आ, वो किस तरह रह रहे होणगे? ये सोचदे आ लोक, उन्हां दी हमदर्दी तुहाडे नाल आ। अज सारा देश तुहाडे वल्ले देख रहा, ये किसान दा अंदोलन सारे मुल्क च फैल गया। 2 दिन पहला साडी मिल दा एक पुराना वर्कर जिहड़ा यूपी दा रहण वाला सी, वो आया साडे कोले अमृतसर, उन्हें दसिया कि यूपी दे विच सरकार दा डर करके भावें किसान उदा बाहर नहीं आ रहा, लेकिन एक एक किसान की हमदर्दी इस अंदोलन दे नाल आ। एक एक किसान टैलीविजन के उपर, एक एक किसान अपने कार टैलीविजन के उपर वो चैनल लाउंदा जिन्हां उत्ते किसानां दियां खबरां हुंदियां, जिहड़ा गोदी मीडिया किसानां दी बदनामी करदा वो चैनल लोगों ने घरां च वेखने बंद कर दिते आ। और पिंडां दे विच, यूपी दे पिंडां दे विच वी, बिहार दे पिंडां दे विच वी दूर दूर तक लोगों की हमदर्दी इस अंदोलन दे नाल आ। इस करके तुहाडे अंदोलन की वड्डी जित आ कि तुसी देश दे किरती लोगों का, भावें उह किसान ने जां मजदूर ने, समुचे तौर पर दिल जित लिया कि आ तुहाडा हक्की अंदोलन आ, आ गुरु नानक की किरत वाले लोग आ, ए भाई लालो ने जेड़े अपने हक की लड़ाई लड़ रहे आ। और अज दुनिया चेतन हो रही आ, दुनिया भर के देखो अमेरिका का किसान, कनेडा का किसान, इंग्लैंड का किसान, आस्ट्रेलिया का किसान, जिथे जिथे तुहाडे बच्चे गए आ, जिथे जिथे तुहाडी आवाज जा रही आ, उत्थे भी फैसले हो रहे आ कि यह अंदोलन जितया जाएगा। इस अंदोलन ना जन की हमदर्दी आ, सिर्फ सरमाएदार, सिर्फ वड्डे वड्डे लोग कारपोरेट घराने उन्हां नूं धोखा, उन्हां दे घरां च मातमा, वो इस गल तो फिक्रमंद ने कि उन्हां दी लुट होना बंद होण वाले जा रही आ, उन्हां दी लुट दा घेरा छोटा हो रहा और लोग जागृत हो रहे आ, अपना हक मंगण वाले जागृत हो रहे आ। मैं तुहानूं आखिर दे विच एक बेनती करनी आ, अपने 40-42 साल हड़तालां दे तजर्बे विचों एक बेनती करना चाहुंदा कि जदों भी कोई अंदोलन हुंदा जिहड़ी उहदी लीडरशिप आ उहदे उत्ते किंतु परंतु नहीं करीदा। जे तुहाडी लहर ना हमदर्दी आ, जे तुहानूं कोई विचार आउंदा इस स्टेज तों नहीं बोलणा, अपने लीडरां दे कन्न दे विच कहो कि साडी आ रहे आ, असीं आ महसूस करदे आ कि इस पासे दी गल करो, इत्थों उठ के इत्थे आ के तुसीं कोई रावां दिओ, पब्लिक नूं भड़काउण दी कोशिश करो, पब्लिक नूं किराए लजाण दी कोशिश करो। ये अंदोलन की जान नहीं, ये अंदोलन के हित नहीं, अंदोलन का जिन्ना वड्डा अंदोलन उन्ना ज़्यादा डिसिपलिन मंगता,
उन्ना ज़्यादा डिसिप्लिन मंगता। इस करके अज इस अंदोलन की अगवाई लोग संयुक्त किसान मोर्चे मानते, बाहर जिन्ने लोग मर्जी तुरे फिरन, संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला करेगा उहदे ते अमल होएगा। यह स्टेज संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेज है जिथों मैं तुहानू बेनती कर रहा। इस करके मेरी यह बेनती आ कि जे किसी ने किसी के बहकावे कि जे किसी ने किसी के बहकावे कि सरकारी एजेंसियों के वड्डे अफसर जेड़ा कोई पंजाब च बैठा सी, कोई यूपी च बैठा सी, कोई महाराष्ट्र बैठा, सारे हम इत्थे लिया के दिल्ली भाते और एजेंसिया ने अपने बंदे छड़े, वो सारे अंदोलन की समीक्षा कर रही ने। इस करके दोस्तों अपने हौसले बुलंद रखद, अपनी लीडरशिप ते यकीन रखद, इस अंदोलन नू बुलंदियों वल लैके जाना और देश दे लोकां दे हिरदे विच इह अंदोलन जरूर जितना और इह अंदोलन जरूर जितया जाएगा। ये मेरिया दुआवां, ये मेरिया हमदर्दियां, मेरी जथेबंदी वालों तुहाडे नाल आ, धन्नवाद बहुत।